महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही समय बाकी रह गया है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र से कई बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख सकती है। अब एक ऐसी ही खबर सामने आई है, ये खबर आई है सिंधुदुर्ग से, जहां पर 8 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी की 35 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया था और अब ये 35 फीट ऊंची मूर्ति ढह चुकी है। जी हाँ, इसको लेकर अब विवाद शुरू हो चुके हैं, राजनीति शुरू हो चुकी है और शिवसेना से लेकर तमाम विपक्षी नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ये घटना काफी नुकसान पहुंचा सकती है बीजेपी के गठबंधन को इस विधानसभा चुनावों में। तो क्या कुछ है ये पूरी खबर बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को ही नौसेना दिवस के मौके पर इस मूर्ति का अनावरण किया था। उन्होंने किले के अंदर जश्न में भी हिस्सा लिया था और लगभग 8 महीने ही बीते थे इस मूर्ति को अनावरण किए और अब ये मूर्ति ढह चुकी है। इसको लेकर तमाम विपक्षी नेता और शिवसेना शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी का, इसको अपमान बता रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इसमें सही क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया, जल्दबाजी में यह सब किया गया, जो कि अब छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के साथ अपमान हुआ है। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद विपक्षी दल सरकार की आलोचना कर रहे हैं। एनसीपी के नेता सुप्रिया सूले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी स्मारक या संरचना का उद्घाटन करते हैं तो लोगों को यकीन होता है कि उनका काम हाई क्वालिटी का होगा, लेकिन सिंधु दुर्ग के मालवण में राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति 1 साल के भीतर ही टूट गई। इसको 1 साल भी नहीं पूरा हो पाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के ढहने को लेकर अब विपक्ष इसको उनका अपमान बता रहा है, साथ ही लगातार सरकार को घेर रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के विधायक वैभव नाइक ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस मूर्ति को बनाने में सरकार ने काफी पैसा खर्च किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मूर्ति टूट गई है, इसको लेकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए, नहीं तो शिव प्रेमी होने के नाते हम जिले में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस घटना को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम आपको आपकी स्क्रीन पर 2 तरीके के वीडियोस दिखा रहे हैं। एक में वो वीडियो है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया था, तो दूसरी तरफ 8 महीने के भीतर ही जो ध्वस्त हुई मूर्ति है छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसको लेकर अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मालवण राजकोट येथे घडलेली घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि याबाबतच्या सगळ्या शिवप्रेमीच्या किंवा जिल्ह्यातील महाराष्ट्रातील सगळ्याच नागरिकांच्या आणि कश्मीर असलेला पुतळा दुर्दैवाने आज पडला, परंतु हा पुतळा गेला तर गेले 6 महिन्यापूर्वी घाई गडकरीने मोदींच्या दौऱ्याच्या वेळी बसवला होता, 6 महिने सुरू झाले नाही आणि त्याचवेळी तिथल्या स्थानिक नागरिकांची हे होती की हे काम निकृष्ट चालू आहे, परंतु त्यावेळी ते विरोधक आहेत, त्यांना सरकारच्या दिशातून ते दाबण्यात आलं आणि आज हा पुतळा दुर्दैवाने पडला आणि महाराष्ट्रानं म्हणजे भारतामध्ये कुठे हा पुतळा कधी पडल्याची आपण गोष्ट ऐकत नाही, परंतु सरकारने खुद्द पंतप्रधानांनी केलेला पुतळा या ठिकाणी पडला, म्हणजे सरकारच्या कामाचे वैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, लेकिन आपको ये बता दें कि ये पहली बार बिल्कुल भी नहीं था। अभी बीते दिनों हमने देखा कि कई जगह पर बीजेपी शासित राज्यों में और पूरे जहां पर बीजेपी का कामकाज चलता है, जहां पर केंद्र सरकार की सत्ता है, उस जगहों पर भी कई तरीके की ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने सवालों के घेरे में सरकार को लाकर खड़ा कर दिया। अब चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो या फिर राम मंदिर की बात हो, जहां पर हमने बीते दिनों देखा कि बरसात के मौसम में नए नवेले राम मंदिर में भी पानी टपकता हुआ नजर आया, एयरपोर्ट की छत गिरी और इसके अलावा भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें सरकार लगातार कटघरे में खड़ी हुई है और विपक्ष लगातार उस पर सवाल खड़े कर रहा है। अब ऐसी ही घटना जब महाराष्ट्र में हुई है तो देखना होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस पूरी घटनाक्रम का क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं, क्या कुछ इसका असर विधानसभा चुनावों के नतीजों पर पड़ता है। वैसे आपके हिसाब से क्या कुछ हो सकता है इस विधानसभा चुनाव में, क्या आपकी राय है कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।